मानसून की बारिशों ने ज़िला मस्तूम के दीगर इलाकों की तरह तहसील दश्त के इलाके उमरडोर गंडेन मरव में तबाही मचा दी है। बारिशों को गुजरे 3 दिन हो गए मगर ताहाल कहीं सैलाब का पानी जमा है तो कहीं घरों के मलबे बिखरे पड़े हैं। तहसील दश्त के बाद ऐसे भी इलाके हैं जहां ताहाल न इंतज़ामिया पहुँचा है और न ही कोई इदारा। ऐसा ही एक किली दश्त उमरडोर में किली मुंडेजई कुर्द शामिल है जहां कम से कम 8 घराने हैं जिन्हें सैलाबी रेलों ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। यूथ न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए इस किली के बुज़ुर्ग शख्स मीर मामद ने कहा कि सैलाबी रेलों का पानी हमारे तमाम रिहायशी कमरों में दाखिल हुआ है और इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया है जो कि अब रिहाइश के काबिल नहीं रहे, जिसके बायस हम दिन रात खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन न ही इंतज़ामिया और न ही कोई शख्स हमारे किले आकर हमारी मदद की है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया मुख़य्यर हज़रात और डिप्टी कमिश्नर मस्तूम से अपील की है कि हमारी मदद की जाए, कम से कम हमें खेमे फराम करें ताकि हमारे बच्चे किसी छत के नीचे अपना रात गुजार सके। यूथ न्यूज़ नेटवर्क टीम के साथ फैसल बाकी, मस्तूम, बलूचिस्तान।